हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से एक अच्छी खबर आई है एग्ज़ाम को लेके, खासकर हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम को लेके। हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आपका अप्रैल के सेकंड सप्ताह में होगा। बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, HSSC एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा। तो दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक में हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा और इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कैंडिडेट्स को पता ही है। नहीं पता है तो वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, नई चीज़ इसमें क्या ऐड होगी। इसमें कंप्यूटर ऐड रहेगा और एग्रीकल्चर हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पशुपालन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अलग यही रहेगा, बाकी सारा का सारा पैटर्न वही है। हरियाणा जीके का रीजनिंग, मैथ, ओवरऑल जो जीके है, स्टैटिक जीके है, उसके भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ करंट के क्वेश्चन रहेंगे। करंट में इंडियन करंट रहेगा और हरियाणा का करंट रहेगा। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, आपका वेट, आपका जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो गया। आपके पास सिर्फ 40 दिन, मानता हूँ 40 दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए। आप अपना सरकारी नौकरी का जो सपना है वो 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। और करंट अफेयर को लेके हमारा जो हरियाणा का जो पार्ट्स है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके 2 या 3 वीडियो और बनेंगे। उसमें आपका करंट का जो पार्ट्स है वो कवर हो जाएगा, पिछले 6 महीने तक का लगभग। हमने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है। स्टैटिक जीके के लिए जो है वो तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, और अभी हम 2 या 3 दिन बाद इंडियन करंट का पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आपका हरियाणा करंट के बाद जस्ट आफ्टर इंडियन करंट अफेयर का जो पार्ट्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। और नोट्स भी हमने बनाए हुए हैं, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को चाहिए तो वो संपर्क कर सकता है फोन नंबर पे। अभी के लिए तो न्यूज़ यही रहेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और है, ये हमारा एजुकेशनल चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि जो हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। हम यहाँ हरियाणा से रिलेटेड नए नए अपडेट डालते रहते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से लेके। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। फिलहाल के लिए आपका यही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो भी जानकारियां रहेंगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और एक बात और है दोस्तों, 28 फरवरी 2020 को जो हरियाणा का बजट पेश किया गया है, उस बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उनके हमने नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बजट से रिलेटेड। इस बजट में सबसे खास बात ये रही है कि पेपरलेस बजट रहा है ये। और एक सबसे खास बात इसमें ये भी है कि हरियाणा के जो खुद CM हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बजट पेश किया है ये, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है हरियाणा के CM के पास है ये वित्त मंत्रालय, और उन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया है। उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।